आश्रम वो जगह है जहाँ गुरु और उनके शिष्य साथ में रहते हैं, और ये उपनिषदों की एक अनोखी खोज थी। आश्रम कोई मठ नहीं है। अक्सर लोग मठ का प्रयोग दुनिया से भागने के लिए करते हैं, पर आश्रम ऐसा नहीं है। आश्रम दुनिया की निंदा नहीं करता, आश्रम संसार को पूरी तरह से स्वीकार करता है, बल्कि ये सीखने की जगह है। यहाँ हम सीखते हैं कि दुनिया में कैसे जीना है। उपनिषद के जमाने में लोग जीवन जीने की कला सीखने के लिए महान गुरुओं के पास जाते थे। जीवन को चार भागों में बांटा जाता था। माना जाता था कि इंसान 100 साल जिएगा। पहले 25 साल हर किसी को किसी जागृत गुरु के साथ बिताने चाहिए, ताकि वो ब्रह्मांड के पार का स्वाद चख सके, पवित्रता का अनुभव कर सके। इसे ब्रह्मांड कहा जाता है, जिसका मतलब है देवताओं की तरह जीना, ध्यान में जीना। पहले 25 साल जीवन का सबसे मासूम, साहसिक, जीवंत और बुद्धिमान हिस्सा होता है। इस समय भगवान का अनुभव क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे दुनिया के भ्रष्ट प्रभावों से बचा जा सकता है। अगर तुम कुछ उच्च को जान लो तो निम्न तुम्हें परेशान नहीं करता। और जब 25 साल के बाद दूसरा चरण शुरू होता है तो ये ग्रह अवस्था का समय होता है। अब व्यक्ति शादी करता है, काम पर जाता है, पैसा कमाता है, लेकिन उसके अंदर एक आंतरिक केंद्र होता है। दुनिया उसे परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि उसके अंदर एक स्थिरता आ चुकी होती है, क्योंकि उसने अपने अंदर एक खुशी का अनुभव किया है। 50 की उम्र तक जब व्यक्ति दुनिया में 25 साल बिता लेता है तो उसे समझ में आता है कि ये सब केवल एक नाटक है, कि ये सब लीला है। और जब उसका बेटा आश्रम से वापस आता है तो वह धीरे धीरे दुनियादारी से खुद को अलग करना शुरू कर देता है। और फिर 75 साल की उम्र में व्यक्ति वापस आश्रम में जाता है। अब वह खुद एक गुरु के रूप में है। ये जीवन का पूरा चक्र है, जो आश्रम में शुरू होकर आश्रम में ही समाप्त होता है। एक पूर्ण जीवन जिसमें हर संभव तरीके से अनुभव किया गया हो, पवित्र और सांसारिक दोनों। व्यक्ति खुद एक मास्टर बन जाता है। हिंदुओं ने आश्रम बहुत ही वैज्ञानिक व्यवस्था विकसित की थी, ताकि व्यक्ति जीवन से बिना कष्ट के गुजर जाए, जिसको हम कहें एक स्मूथ ट्रांजिशन। जरूरी नहीं एक आदमी 100 वर्ष जिए और उसका विभाजन हर 25 साल बाद किया जा सके, लेकिन मेरे देखे ये विभाजन एक बहुत ही व्यक्तिगत तल पर घटता है। अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति इन 4 चरणों से गुजरता ही है, और वो गुजरना उसकी प्रौढ़ता को दिखाता है। जीवन को हर रंग को देखने, चखने और जीने की आवश्यकता है। उसी में तुम्हारे जीवन का फूल खिलेगा। प्रणाम।